हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पना। वेलकम टू माय चैनल। फिर से आई हूं आप लोगों का बीच में एक नया विंटर सीजन फ्लावर केयर टिप्स लेकर। फूलों को देख कर आप लोगों का पता ही होगा ये डबल इम्प्रेशन फ्लावर है, कितना सारा फ्लावर खिल रहा है। आज मैं इसका केयर टिप्स के साथ ही साथ इसका समर केयर कैसे ले और इसको अगले साल के लिए कैसे रखे, मतलब अगले विंटर सीजन के लिए कैसे रखे, इस बारे में भी बताऊंगी। इम्प्रेशन का बहुत वैरायटी है, जैसे कि ये मेरा डबल इम्प्रेशन, सन इम्प्रेशन, सूतवाला इम्प्रेशन, सबका सेम केयर है। अभी विंटर सीजन ख़त्म होने वाला है, इसीलिए इम्प्रेशन फ्लावर को अगले विंटर सीजन के लिए कैसे रखे आइए जाने। हर सीजनेबल फ्लावर का एक एज होता है, एक टाइम में वो सब मर जाता है, इसीलिए इसको इसका बीज कलेक्शन करना चाहिए या इसका ब्रांच से नया पौधा उगाना चाहिए, तब जाकर इसका कलेक्शन हमारे पास रहेगा। इसीलिए आइए जानिए कैसे इसका, मतलब डबल इम्प्रेशन का कटिंग लगाकर हम लोग कैसे अगले साल के लिए रखें और इसको कटिंग से कैसे ग्रो किए। ये मेरा डबल इम्प्रेशन का कटिंग से ग्रो हुआ पौधा है। ये कटिंग में 15 डेज आगे लगाया था, खूब अच्छी तरह ग्रो किया। रुकिए आप लोगों को देखाए इसका रोट्स निकला कि नहीं। यह देखिए कितना सुंदर से इसका रोट्स निकला है। विंटर सीजन लास्ट में इसका कटिंग से नया पौधा ग्रो कर लेना चाहिए। मार्च महीना और अप्रैल का फर्स्ट वीक में इसका कटिंग से पौधा ग्रो कर लेना चाहिए। अप्रैल महीने के बाद बेसी गर्मी आ जाने से कटिंग से पौधा नहीं ग्रो करेगा, इसीलिए गर्मी आने से पहले ही इसका कटिंग लगा लेना चाहिए। आइए अभी इसका कटिंग कैसे लगाए जान ले। ये डबल इम्प्रेशन कटिंग लगाने के लिए मैं ये मिट्टी तैयार किया हूँ, ये सूतवाला पॉट में। ये पॉट में मैं बालू मिट्टी लिया हूँ। कटिंग को लगाने के लिए बालू मिट्टी ही लेना चाहिए। आप लोगों का पास बालू मिट्टी नहीं होने से आप लोग एक हिस्सा नॉर्मल मिट्टी और एक हिस्सा बालू ले लीजिए। इसमें मैं कोई खाद यूज़ नहीं किया हूँ। कटिंग को लगाने के लिए कोई खाद देना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बालू मिट्टी देकर कटिंग को लगाना चाहिए। खाद देकर कटिंग लगाने से कटिंग को फंगस लगने का डर रहता है, इसीलिए खाद मत दीजिए। डबल इम्प्रेशन कटिंग ही नहीं, कोई दूसरा फ्लावर कटिंग लगाने से भी आप लोग खाद मत दीजिए, सिर्फ बालू मिट्टी यूज़ कीजिए। कटिंग को ग्रो होने के लिए ही लगाया है, इसी टाइम में कटिंग को कोई खाद का ज़रूरत नहीं है। मैं इसी पॉट में बालू और मिट्टी बराबर मात्रा में लिया हूँ। अभी मैं ये इम्प्रेशन फूल से सबसे छोटा वाला ब्रांच लूँगी, जो ब्रांच का फ्लावर अभी नहीं आया वही देखूँगी। वैसे भी फ्लावर वाला ब्रांच भी ग्रो करेगा, लेकिन फ्लावर वाला ब्रांच काटने को मन नहीं है, इसीलिए जो ब्रांच का फ्लावर नहीं आया है वो मैं देखूंगी। ये ब्रांच का फ्लावर नहीं आया है, इसीलिए मैं ये ब्रांच लिया हूँ। खूब अच्छी तरह ये ब्रांच ग्रो करेगा। ऐसे गर्म दिन आने से आगे इम्प्रेशन फूल का कटिंग लगा लेना चाहिए, तब खूब अच्छी तरह ग्रो करेगा और फ्लावर भी खिलेगा कम करके। नया पौधा लगाने से मरने का डर नहीं रहता है और नेक्स्ट सीजन में भी इसका कलेक्शन रह जाएगा।
कटिंग को लगाने के बाद आप लोग मिट्टी को हल्के से दबा दीजिए, तब एयर टाइट होगा और कटिंग थू अच्छा से ग्रो करेगा। अभी मैं इस कटिंग को पानी देकर छांव में रखूंगी। कटिंग लगाने के तुरंत बाद पानी दे देना चाहिए। कटिंग को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए आप लोग पॉट का माटी थोड़ा नमी बनाकर रखिए, तब कटिंग अच्छा से ग्रो होगा। फिर जब विंटर सीजन आएगा तब आप लोग इसी छोटा वाला कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट से फिर से कटिंग लेकर आप लोग नया पौधा बना सकेगा। वो कटिंग आप लोग सितंबर अक्टूबर महीने में लगाने चाहिए, खूब अच्छी तरह ग्रो होगा। फिर विंटर सीजन में नवंबर से फूल भी खिलेगा। ऐसे ही आप लोग इम्प्रेशन का जो भी वैरायटी है उसी से कटिंग लेकर आप लोग नया पौधा बनाकर अगले साल के लिए रख सकते हैं। और इसकी सीड को भी आप लोग कलेक्शन करने सकेगा, इसका सीड से भी ग्रो होता है। विंटर सीजन लास्ट महीने में आप लोग इसका सीड कलेक्शन कीजिए। इसका फ्लाइंग पीरियड में जो सीड धरा है वो सब निकल दीजिए, क्योंकि ये टाइम इसका फ्लाइंग का टाइम है। वही टाइम में सीड रखने से सीड को पुरोट होने में सारा एनर्जी पौधा लगा देते हैं, तब फूल कम आएगा। इसीलिए विंटर सीजन का स्टार्टिंग में जो सीड लगा है वो सब आप लोग निकाल दीजिए। जब विंटर सीजन ख़त्म होने वाला है वही टाइम में आप लोग सीड को पुरोट होने दीजिए और कलेक्ट कीजिए अगले साल के लिए। ओके फ्रेंड्स, मैं जो बोली हूँ वही सब आप लोग कर लीजिए, तब आप लोग का बगीचा में हर साल इम्प्रेशन का कलेक्शन रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, तब मेरा नया नया वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।